नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल करीब है और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जनता के बीच जाने से पहले अपनी पार्टी को साफ सुथरा करना शुरू कर दिया है। सम्मेलनों के जरिए कोशिश ये थी कि जनता के वोट बैंक को अपने पाले में खींचा जाए, जिस पर कहीं ना कहीं लगातार पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। दरअसल कुछ खबरें ऐसी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपने 150 से ज्यादा प्रत्याशियों के टिकट जो है वो काट सकती है, जिसका कारण कई सारा बताया गया है। बताया जा रहा है कि जो दागी विधायक हैं पार्टी में उनका टिकट कट सकता है, जो 70 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, जो बीमार हैं उनका टिकट कट जाएगा, जो संगठन के काम में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं उनका टिकट कट जाएगा, जो लगातार सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं उनका टिकट कट जाएगा, जो दागी हैं उनका टिकट कट जाएगा। तो ये कुछ जो जो रणनीति है वो बीजेपी ने तय की हुई है कि इस बार इन ऐसे जो जीते हुए विधायक हैं इनका टिकट कटना लगभग तय है और इनकी संख्या करीब 150 से ज्यादा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश अपनी शुरू करी हुई है और वो भी पार्टी में बड़े पैमाने पर अलग अलग वर्गों को अपने साथ लाने के लिए प्रयासरत है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये बताई जा रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और शिक्षकों को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सब साफ तौर पर इसका कारण यही बताया गया है कि इन लोगों को अपने साथ पार्टी में जोड़ने का समाजवादी पार्टी की रणनीति यही है कि इनके साथ जो लोग हैं वो पार्टी में जोड़ेंगे और उनको ये पता जरूर चलना चाहिए कि ऐसे लोगों का भी ख्याल समाजवादी पार्टी में रखा जाता है। दूसरी अहम चीज ये है कि समाजवादी पार्टी की दिलचस्पी भी कहीं ना कहीं लगातार जनता के बीच बढ़ रही है। ऐसे में अगर हम देखें तो बीजेपी के कुछ ऐसे प्रमुख मौजूदा विधायक भी हैं जिन्होंने बीते दिनों अखिलेश यादव से मुलाकात करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी से नाराज हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। हालांकि अभी इस पर पूरी तरह से औपचारिक मोहर नहीं लगी हुई है। बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा ऐसी प्रमुख सीटें हैं समाजवादी पार्टी की जहां पर जो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं प्रत्याशियों की, उनकी संख्या 50 से ज्यादा है। एक सीट पर 50 से ज्यादा प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश का दौरा चल रहा है। प्रियंका गांधी इस वक्त राजधानी लखनऊ में है और लगातार संगठन को मजबूत करने में वो लगी हुई है। लगातार उनकी कोशिश यही है कि जो लिस्ट बनाई गई है, जो नॉमिनेशंस आए हुए हैं, उन पर विचार विमर्श किया जाए और मजबूत कैंडिडेचर इस बार जनता के बीच कांग्रेस की तरफ से भेजा जाए। आम आदमी पार्टी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि वो 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे और धीरे धीरे करके करीब 170 से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने कर दी है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करी जाए तो उनकी रणनीति पहले की तरह एक बार फिर से तय है। साफ है कि वो जनता के बीच में संगठन से जुड़े हुए लोगों को भेजेंगे और कोशिश यही रहेगी कि एक बार फिर से जो बसपा का कोर वोटर है वो बसपा के खाते में एक बार फिर से वोट डालने के लिए आ जाए जनता के बीच। बसपा ये अपनी छाप छोड़ने में लगी हुई है। तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये जो कोशिश है वो शुरू कर दी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यही है कि बीजेपी इस बार प्रत्याशियों के टिकट काटेगी, मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी जो कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे या फिर जो उम्र से ज्यादा हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जो बीमार चल रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर चुनावों से पहले ये जो छटनी अभियान है बीजेपी का कितना कारगर सिद्ध होगा और विपक्ष इस पर कितनी अपनी तीखी नजर जो बनाए हुए, क्योंकि विपक्षियों ने लगातार इस बात को कहा है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक हैं और वो दूसरे की पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष के पास ये सवाल भी नहीं रह जाएगा। तो देखना ये होगा कि अब आगे की क्या रणनीति है। तो आज अपनी डिबेट हम इसी पे करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस डिबेट को, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये तैयारियां सिर्फ सभी सीटों पर जीत के लिए ही नहीं, बल्कि जो राजनीतिक दलों के कैंडिडेट 2017 में जीते थे उनमें से कई विधायकों के टिकट काटे जाने की तैयारी भी है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 300 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कई विधायक ऐसे हैं जो हाल फिलहाल बीजेपी के लिए निष्ठावान तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र, जमीनी हकीकत, क्षेत्र में कमजोर पकड़ और पार्टी आलाकमान के साथ दूरियां उनके टिकट में रुकावट खड़ी कर सकती हैं। वहीं कई नेता ऐसे हैं जो दूसरे दलों के साथ ज्यादा ही गलबहियां कर रहे हैं। अभी हाल ही में सीतापुर के विधायक राकेश राठौर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की।
जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि बीजेपी विधायक कहीं ना कहीं अखिलेश की शरण में जाना चाहते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बसपा के कई नेता अखिलेश से मुलाकात कर रहे हैं। एक दिन पहले बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद कहीं ना कहीं बसपा आलाकमान की त्योरियां चढ़ी नजर आ रही। खैर, बीजेपी ने चुनाव को लेकर जो लक्ष्य तय किया है उसके चलते दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संघ और संगठन की बैठकें हो रही हैं। नई रणनीति के मुताबिक बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ उन्हीं को टिकट देगी जो पार्टी की कसौटियों पर खरे उतरेंगे। चर्चा है कि बीजेपी इस बार अपने एक तिहाई विधायकों का टिकट काटेगी, उनकी जगह 30-35% युवाओं को मौका दिया जाएगा। कई मंत्रियों को भी टिकट काटे जाने की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी क्षेत्र में उनके काम और लोकप्रियता के आधार पर ही उनका टिकट फाइनल करेगी। बहरहाल, जिस तरह से बीजेपी दूसरे छोटे दलों के नेताओं को जुटाने में लगी है, उस तरह से तो यही लग रहा है कि जल्द ही बीजेपी के कई नेता अपने दल से नाराज होने वाले हैं। सत्ता की चाहत में भटक रहे निषाद पार्टी के संजय निषाद को भले ही बीजेपी ने बैसाखी देकर विधान परिषद भेज दिया हो, लेकिन संजय निषाद की चाहत बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। जिस तरह से संजय निषाद अभी से टिकट को लेकर दिल में अरमान पाले हैं, उनकी वजह से या तो कई बीजेपी विधायकों की टिकट कटेंगे या बीजेपी संजय निषाद को ही किनारे कर देगी। जो भी हो, लेकिन कई विधायकों को अभी से भविष्य दिखाई दे रहा है। इसी के चलते वो दूसरे राजनीतिक दलों के साथ हाथ में हाथ डालने को बेताब नजर आ रहे हैं। इसी पर दो लाइनें खूब जस्ती हैं। दल बदलू मौसम हुआ राजनीति का दौर, दल बदलू मौसम हुआ राजनीति का दौर, जिसको जहां जगह मिली वहीं बनाया ठौर। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो तैयारियां हैं लगभग सभी राजनीतिक दलों की, वो चल रही हैं और सबका यही प्रयास है कि कुछ भी करके जो 22 की रणनीति है, जो 22 की तैयारी है, उसे मजबूती से जनता के बीच दिखाया जाए, उसे पार्टी और संगठन के बीच दिखाया जाए। तमाम पार्टियों से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और हमसे आपका तारुफ कराते हैं, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। गौरव मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा विकास श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे। फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से पार्टी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं गौरव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो अटकलें थी और कहीं ना कहीं अटकलों पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है, 150 से ज्यादा ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनसे कहीं ना कहीं पार्टी संगठन ना खुश है और इस वजह से उनका टिकट कट रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो क्या सिर्फ 150 या ये आंकड़ा और बढ़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जब थंबिंग मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो वो मेजोरिटी ही अपने आप सीधा संदेश थी कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी है और उन अपेक्षाओं पर सिर्फ सरकार कोई नहीं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं विधानसभा क्षेत्रों में, जो विधायक हैं, वो कितना खरे उतरे हैं उसकी भी समीक्षा बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत रूप से 24/7/365 चलता रहता है, किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर, प्रयोजन को लेकर के जनता के बीच में रहता है और जनता के बीच से ही जो विधायक हैं हमारे उनकी रिपोर्ट ऊपर आती है। तो अच्छा, उसमें उन परीक्षाओं में जो पास होंगे, चाहे वो विकास का मुद्दा हो चाहे वो बयानबाजी का मुद्दा हो, यदि उसमें वो पास होंगे तो निश्चित रूप से वो रिपीट होंगे। लेकिन अगर उनमें कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, अच्छे स्वच्छ कर्मठ युवा प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, उनको आगे उतारा जाएगा। अच्छा, तो ये एक प्रकार से लोकतंत्र को शुद्ध करने का भी एक माध्यम है जो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती रहती है। गौरव जी, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि पार्टी के ही नेता जो हैं, वो कार्यकर्ता जो हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से खुश नहीं है और इस वजह से वो ये जान रहे हैं कि इस बार जीत नहीं हो सकती, इस वजह से टिकट काटने का ये जो बहाना है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इनकी बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जीत तो जनता जानती है कि जीतेगी कौन, और जनता का जो पल्स है वो पता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। निजी स्वार्थ अगर किसी का टकराता हो, निजी हित किसी का विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से, जात के हिसाब से, उनके अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर उनको ऐसा लगता हो, तो बेशक लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, कोई कहीं भी जा सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता पूरी की पूरी एक साथ खड़ी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने जो एक विधायकों का
बल्कि ये कहिए कि सत्ताधारी दल के विधायकों का जो एक आतंक हुआ करता था पूरे प्रदेश में, जो एक सामंती व्यवस्था हुआ करती थी विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर, विधायक स्वयं अपने क्षेत्र का राजा हुआ करता था और सारी चीजें स्वयं तय किया करता था, आज वो चीजें सिस्टम तय कर रहा है, कानून और नीति तय कर रही है, उसके आधार पर चीजें चल रही है। तो कहीं किसी को अगर ऐसा व्यवधान महसूस हुआ हो तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं लोकतंत्र में, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, तो ऐसा वो कभी नहीं कर सकता और भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों के साथ हमेशा वो खड़ा रहेगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, या फिर मंत्री क्यों ना हो। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप लोग भी उत्तर प्रदेश में लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में बनी हुई है। आप लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक हैं, बीजेपी दूसरों को कानून का पाठ पढ़ा रही है, पढ़ाती है, पढ़ाने की कोशिश करती है और वो अपने नेताओं को नहीं देखती है, लेकिन इस बार का चुनाव तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उल्टा पड़ जाएगा भाई, क्योंकि 150 से ज्यादा दागी विधायक और ऐसे लोग जो लगातार संगठन के लिए काम नहीं कर रहे थे बीजेपी में, उनका टिकट कट रहा है, अब क्या रणनीति तय करेंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 110 से ज्यादा आपराधिक चरित्र के लोग थे, तो टिकट काट तो रहे हैं भाई, तो टिकट काट तो रहे। जब दिया था तब भी वो 110 लोग अपराध के बड़ी बड़ी धाराओं में थे, ऐसा नहीं है वो इसी 4 साल में आपराधिक मामले में आए। टिकट काट रहे हैं उन लोग, काट देने के पीछे जो मंशा उसको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रमण, अपनी आक्रमणता, अपनी नाकामी और सरकार की अक्षमता को छुपाने के लिए वो चेहरे बदल रहे हैं। वो संगठन के शीर्ष नेतृत्व तो क्या, अभी तो वो चीफ मिनिस्टर भी बदल रहे थे, आपने देखा 1.5 महीना 2 महीने रस्सा कसी का खेल चल रहा था कि योगी जी को हटा रहे थे, क्योंकि जब कोरोना मिसमैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हजारों हिंदुओं को दवाई, इलाज और ऑक्सीजन की कमी में मिली, और जो लोग जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी मृत्यु के उपरांत उनको गंगा में लाशें आपने बहती हुई देखी, इन्होंने अपने ही हिंदू जनमानस को डिसोल्व कर दिया मृत्यु के उपरांत। ये असंवेदनशील चेहरा भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है कि हर वक्त चाल बदलो, चरित्र बदलो और चेहरा बदलो। इनका जो चाल और चरित्र जो है हर बार आपको बदला हुआ दिखाई पड़ता है, और इसमें इस बार अब जनता फंसने वाली नहीं, झूठे वादे और बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल हुई है, और आजादी की बात की सबसे कमजोर और असफल सरकार के रूप में योगी सरकार हो। अच्छा, ठीक है, चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, मैं फखरुल हसन चांद साहब के पास चलूंगा। फखरुल भाई, अभी गौरव मिश्रा कह रहे थे कि पूर्व की सरकारों में विधायक विधानसभा का राजा हुआ करता था और हमारी सरकार में ऐसा नहीं चलेगा, इसी वजह से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, संगठन पर विचार कर रहे हैं, प्रत्याशी पर विचार कर रहे हैं और इसी वजह से हम टिकट काट रहे हैं। तो ये आप लोग जो राजा बना के रखते थे, अब बीजेपी तो उसको नहीं रखेगी, वो टिकट काट रही है, अब क्या तैयारी आप लोगों की रहेगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि जो लोग फेल हैं, जो क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं गए, हम उनके टिकट काट रहे हैं, और जो जनता जिनको पसंद नहीं कर रही उनके टिकट काट रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री फेल है, जिसको बदलने के लिए दिल्ली में बैठी सरकार ने बहुत प्रयास किया, दिल्ली और लखनऊ में क्या खींचतान रही, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेके 1 साल 1.5 साल ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल हैं और प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना चाहती, क्योंकि फेल मुख्यमंत्री के साथ जनता जाना नहीं चाहती है। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए बड़ी बड़ी बातें की, तो मित्र से मैं कहना चाहता हूं कि राजा विधायक होता है क्योंकि जनता उसे चुनती है, क्षेत्र की जनता अपने विधायक से, अपने सांसद से उम्मीद करती है कि हमारा विधायक, हमारा सांसद हमारी बात को लेके सदन में हमारी बात रखेगा। तो बीजेपी के विधायक सांसद नहीं कर रहे हैं क्या? मेरी बात कंप्लीट हो जाए, थाने में, तहसील में हमारी बात रखेगा, और अगर ये चाहते हैं कि इनका विधायक, इनका सांसद वो इनकी रबड़ की स्टैम्प बन जाए, योगी जी जो कहे वो सही, मोदी जी जो कहे वो सही, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आपको ऐसा लोकतंत्र मुबारक हो। समाजवादी पार्टी जब सरकार बनेगी तो हमारे सांसद, हमारे विधायक की जनता भी सुनेगी, अधिकारी भी सुनेगा, पुलिस भी सुनेगी, मुख्यमंत्री भी सुनेगा, प्रधानमंत्री भी सुनेगा। गौरव जी कुछ कह रहे हैं, सर जी बताइए, गौरव जी क्या कह रहे हैं, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? देखिए, फखरुल हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही,
जैसा जैसा उनके पार्टी का संस्कार है, चरित्र है, जैसा उन लोगों ने काम किया है, इन्होंने कहा कि विधायक राजा होता है अपने क्षेत्र का। इसीलिए सपा की जब सरकार थी तो 75% इनके विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में अपराध हुए हैं। सर्वाधिक अपराध इनके मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्र में हुए हैं, तो वो तो ये स्वयं प्रमाण दे रहे हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्कृति को नहीं बढ़ा सकती, ऐसी व्यवस्था को नहीं बढ़ा सकती। इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लाया था और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी इसका शोधन करती रहेगी और परिष्कृत रूप से संगठन का एक ढांचा जनता के सामने प्रस्तुत करती रहेगी, जिसके आधार पर सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं जमीन पर निरूपित होंगी और सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचेगी। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास, दिनेश शर्मा जी से जुड़ूंगा मैं। दिनेश शर्मा जी, सर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है और लगभग सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है, लेकिन जो खबर निकल के सामने आई कि बीजेपी इस बार 150 से ज्यादा अपने जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काटने वाली है। कारण कई सारे बताए गए हैं, कारण ये भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा विधायक है जो पार्टी के खिलाफ काम करते हुए नजर आया उसका टिकट कटेगा। बताया ये भी गया है कि जो संगठन और सरकार का साथ नहीं देता है उसका भी टिकट कटेगा। कई सारे प्रमुख कारण बताए गए हैं। कुछ ऐसे भी नेता विधायक हैं जो लगातार सपा के जुड़ाव में, लगातार सपा के टच में बने हुए हैं, कई और अन्य दलों के टच में बने हुए हैं, लेकिन क्या ये भी कारण हो सकता है कि कुछ बाहर के जो छोटे दल हैं जिनसे बीजेपी का इस दौरान गठबंधन हो रहा है या बीजेपी के साथ वो आ रहे हैं, तो उनको सीट डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में इस तरह के कदम उठाए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये विषय बहुत लंबा है जी। हमें इन सारे समीकरणों को देखने से पहले पहले ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या इस देश में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव विकास के मुद्दे पर हुए हैं जी। जो मेरा अनुभव जो मैंने देखा है, विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश से लेकर कहीं पर भी आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ, ना किसी ने चुनाव लड़ा। दूसरा सवाल दूसरा मेरा ये है, दूसरा ये है, देखिए राजनीति शक्तिशाली की दासी होती है, जो शक्तिशाली करता है वही नीति होती है और वही धर्म बन जाती है। इन समीकरणों की जो चर्चा हो रही है, जब चुनाव आते हैं तो कोई दल ऐसा नहीं है कि जिसके यहां भगदड़ न मचती हो। अब जैसे अब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जैसे जतिन प्रसाद शामिल हुए, ऐसे और भी शामिल हुए, तो ये बीजेपी जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर का समीकरण तो गड़बड़ा है ना। वहां का जो राजनीतिक टिकट का वो है, अच्छा, वो तो क्या नाम, अब जितिन प्रसाद के आने से चेंज हुआ, वहां सिनेरियो चेंज हो गया। जैसे समाजवादी पार्टी में कोई नए आए होंगे तो जो आए होंगे उनके क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी होगी, भाई अब तो ये बड़े लीडर को ले आए हैं, हमारा क्या होगा, चलो भागे बीजेपी के पास, चलो भागे बसपा के पास। तो ये सारे ही दलों में है बात, ये किसी एक दल के अंदर नहीं है कि जिससे कि ये बात जो है क्या नाम सिद्ध होती हो कि इन जो जो तोड़फोड़ हो रही है इससे कोई नई चीज पैदा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में निश्चित करेगा कि इस राजनीतिक दलों की रणनीतियां क्या हैं। सब अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से शामिल कर रहे हैं। जैसे अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी उसने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया था नहीं जी। कुछ राजनीति के इस प्रकार के क्या नाम साम दाम दंड और भेद होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो ये एक बहुत बड़ा अब ये बरगद हो चुकी है। अब इसके अंदर किसी के जाने से किसी के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, यूपी के चुनाव के नजरिए से भी ये बात सही है जी। दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आदमी है या जो जनता है वो प्रत्याशी नहीं देख रही, वो देख रही है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी के पास, उत्तर प्रदेश की लीडरशिप है योगी जी के पास, और वो जो सिनेरियो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो वातावरण इस समय चल रहा है, तो सब अपना अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। पिछली बार माइंड मेकअप किया था तो 325 के ऊपर गठबंधन को बीजेपी को गया था, समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? समाजवादी पार्टी के पास तो अच्छा वो था। राजनीतिक दल जनता देख रही है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों के दोनों अपने जो परंपरागत वोट थे ये उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए।
यही कारण है कि 42 सीटों पर क्या नाम 48 सीटों पर समाजवादी पार्टी खिसक चली गई। भाई पहले तो ये हो कि जो जिनके लोग जो उनके वोटर हैं वो रुके हैं, वो सम्मेलन जो कर रहे हैं उनसे वो अपने वोटरों को भी रोकने में सफल हुए हैं, इसमें मुझे संशय नजर आता है। क्योंकि जो इस समय हम देख रहे हैं ये ऐसा समय है जो भगदड़ का। अच्छा सर, सपा सपा कहीं ना कहीं इस बार डॉक्टर इंजीनियर पत्रकार शिक्षक इनको भी टिकट देने वाली है और बता रही है कि इसका कारण यही है कि जो इससे जुड़ा हुआ जो वर्ग है वो भी पार्टी में ये सोचे कि हाँ इन लोगों को भी जगह दी जाती है और वो पार्टी से जुड़े, ये उन्होंने कारण बताया है। तो दोनों का मास्टर स्ट्रोक ज्यादा काम किसका करेगा, बीजेपी का या सपा का? देखिए मैंने पहले कहा आपको कि ये कह देने से मुझे कोई टिकट दे दे मैं एक दार्शनिक हूं तो और मैं उस चुनाव को जीत जाऊंगा, ये कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा। कुछ टिकट ऐसे दिए जाते हैं जिससे कि माहौल बनता है कि हमने इतने डॉक्टर्स को दिए, इतने क्या नाम है वकीलों को दिए, इतने शिक्षकों को दिए। मैंने क्या कहा कि ये राजनीतिक रणनीतियां होती हैं राजनीतिक दलों की, वो एक माहौल बनाने का कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की, मैं चूंकि आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की है और वो चूंकि बड़ा दल है तो उसकी प्राथमिकता उसी को जाती है, विश्लेषण सबसे ज्यादा उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो मेरा जहां तक प्रश्न, मेरा जहां तक समझना है कि इन बातों से कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तो मान लिया है। और गांव क्षेत्र में कभी जब आप जाएं देखेंगे, शहरी क्षेत्र में भी जाएंगे तो माहौल बहुत बदला हुआ है। माहौल भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस का, क्योंकि प्रियंका गांधी भी लखनऊ में बनी रहती हैं लगातार और वो संगठन को मजबूत करने में लगी हुई हैं, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, अभी बात हो रही थी कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा था कि उसमें दागी लोग बहुत ज्यादा दागी लोग सारे राजनीतिक दलों में हैं। तो ये देश का इतिहास है कि सबसे ज्यादा दागी लोग तो कांग्रेस में ही रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस तो दागी लोगों की जननी है जी। और कांग्रेस ने जिस प्रकार के टिकट बांटे हैं पहले इस समय में बांटे हैं, वो दौर और था और आज दौर और है। आज जिन दागियों की बात की जा रही है, ठीक है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जहां तहां मुकदमे दर्ज हैं, राजनीतिक मुकदमे दर्ज होते हैं, समाजवादी पार्टी में भी राजनीतिक मुकदमे दर्ज होते हैं और बसपा में भी दर्ज होते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी और क्या बहुजन समाज पार्टी उन अपने प्रत्याशियों को निकाल कर फेंक दे? क्या उनको राजनीति का अधिकार नहीं है? वो भले ही चाहे उनके ऊपर टैग लगे हों कि इन्होंने इतने लोग मरवाए, इन्होंने इतनी जमीनें कब्जाई, इन्होंने ये किया। ये स्थिति लगभग सभी दलों के बीच में है, जो चटनी जो सफाई हो रही है इसका कोई मायने नहीं है। ये चटनी सफाई रणनीति के हिसाब से हो रही है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। फखरुल हसन चांद, मैं आपके पास आऊंगा। अभी गौरव जी कह रहे थे कि आपने जो बात कही थी कि अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का, अपनी लोकसभा का राजा वो नेता होता है जिसे जनता चुनती है, आपने पहले इस बात को कहा, लेकिन गौरव जी को कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत लगा और उन्होंने उसका जवाब दिया, उस जवाब से आप कितना सहमत? देखिए मैं तो फिर से इस बात को कहूंगा कि जनता जो आपकी विधानसभा में जनता है, जो चुन के अपना प्रतिनिधि भेजती है, आप चुन के सांसद भेजती है, वही उनकी बात को सदन में रखता है। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि नहीं आप उनके अधिकारों को छीन लेना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेना चाहते हैं, तो विधायक की सांसद की जरूरत ही क्या है आपको? आप मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का चुनाव कराइए और सीधे कह दीजिए कि सारी जनता दूसरे चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है, विधायक की जरूरत नहीं है आपको, सांसद की जरूरत नहीं है, सीधे मुख्यमंत्री का चुनाव कराइए, मुख्यमंत्री जो तय कर ले वही सही है, प्रधानमंत्री जो तय कर ले वो सही है। जनता ने अगर विधायक चुन के भेजा है, जनता ने अगर सांसद चुन के भेजा है, तो उसकी अगर उसकी आवाज को अगर तहसील में नहीं सुना जाएगा, थानों में नहीं सुना जाएगा, सदन में नहीं सुना जाएगा, तो कहां सुना जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र, ये फांसीवादी ताकतों के साथ, ये कट्टरपंथी ताकतों के साथ जाने वाले लोग हैं, इनको इनको ये चाहते क्या है कि जनता के अधिकार, जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके अधिकार सीमित हो जाए और सारे अधिकार जाके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास चले जाए। मैं समझता हूं कि जनता ने अपना विधायक, अपना सांसद चुना है, और मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा सांसद, हमारा विधायक या विपक्ष में भी बैठ जो चुन के आएंगे विधायक, जो सांसद चुन के आएंगे, उनकी भी बात थाने में, सदन में और तहसील पे सुनी जाएगी। ये हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि बुलडोजर हम भी चलवाएंगे।
नहीं, बिल्डोजर बिल्कुल नहीं चलेगा। हम कानून का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, जो संविधान कहेगा, जो कानून कहेगा वो करेंगे। ये बयान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि बिल्डोजर, उन्हीं ने एक बात पे इस बात को कहा था, उस बात को मैंने भी सुना था। उन्हीं ने ये नहीं कहा था कि मैं बिल्डोजर चला दूंगा, उन्हीं ने ये, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि बिल्डोजर तो हम भी चलवा सकते हैं, लेकिन हम समाजवादी वादी लोग, हम लोग कानून का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। अगर हम भी बिल्डोजर चलाने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम समझते हैं कि आज जनता परिवर्तन चाहती है। अखिलेश जी ने ये भी कहा, आज्ञा हो तो मैं एक बात कहूं। अभी इन्होंने जो हमारे हसन साहब ने एक बात कही है, कुछ अच्छी बात करते करते ट्रैक से उतर गए। इन्होंने जो कहा कि जिला प्रशासन जब काम नहीं करेगा तो छवि कैसे रहेगी, ये बात सच है कि विधायक, देखिए विधायक या सांसद जो हैं, ये नीति बनाते हैं अपने सदनों के अंदर, अपने सरकार के अंदर, उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम स्थानीय प्रशासन का होता है। अब स्थानीय प्रशासन जो है अगर उनकी बात को नहीं सुनेगा तो हम फिर एक भाषा में कहते हैं कि विधायक की नहीं सुनी जा रही है, या हम कह रहे हैं कि विधायक काम नहीं कर पा रहा है। हम विधायक या सांसद की जो अंतर्मन जो है उनका, उसको हम करीब से नहीं जानते हैं। सच्चाई ये है कि स्थानीय प्रशासन उनको डोमिनेट करता है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, और जब वो काम नहीं कर पाते हैं, उनके काम नहीं होते हैं, तो उससे ये संदेश जाता जनता में कि ना तो विधायक की सुनी जा रही है और ना एमपी की सुनी जा रही है। अब जब बुलडोजर वाली बात आपने कही जी, तो सबसे पहले लखनऊ में नहीं, लखनऊ नहीं देखा था कि सीतापुर के एक विधायक थे, यादव ही थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हुए हैं उनके लड़के, उनका लखनऊ में जियामऊ के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था जो कि अखिलेश यादव जी की सहमति से ही बना था, उसके ऊपर तो बुलडोजर अखिलेश जी ने चलवाया था। अच्छा, अखिलेश जी ने ये भी कहा था कि बीजेपी अपना जो चुनाव, वो पार्टी का जो निशान है वो भी बुलडोजर कर ले। देखिए देखिए देखिए, ऐसा है ना कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जो सहमति वाली बात इन्होंने कही, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि अखिलेश जी की सहमति से बना था। देखिए, उसका नक्शा पास नहीं था, एलडीए ने कार्रवाई की थी, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, विधायक भी समाजवादी पार्टी के थे वो, और उनपे कार्रवाई की थी क्योंकि क्योंकि गलत था। तो अगर, आप चलवाएंगे कि नहीं चलवाएंगे? जो सरकार बुलडोजर चला रही है वो तो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, देखिए कानून, नहीं आप लोग चलवाएंगे कि नहीं चलवाएंगे? शर्मा जी, एक लखनऊ में ही पहले दूसरे दल में थे, समाजवादी पार्टी में आ गए, एक पूर्व सांसद है, पुराने लखनऊ में एक बिल्डिंग उनकी ही बनी थी, एलडीए से ही मैप पास था, रात के रात में ही उसका एलडीए का मैप को निरस्त किया जाता है, सुबह 10 बजे आके पूरी बिल्डिंग गिरा दी जाती है। हम समझते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पे है या कहीं पे कुछ इल्लीगल हो रहा है तो उसका कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया को अपना के अगर योगी सरकार करती तो मैं कहता कि बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये कि आप तानाशाही कीजिए, आप जबरदस्ती कीजिए कि आप रात में आदेश को पास कीजिए और सुबह वो आदेश का पालन हो जाए, हम समझते लोकतंत्र में ये चीजें अच्छी नहीं। ठीक है सर, मैं आता हूँ। गौरव मिश्रा जी, आपने सुना फखरुल हसन चांद क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जाहिर सी बात है, जिसे जनता ने चुना है वही जनता की बात भी रखेगा, और इस वजह से मैं ये बात कह रहा था जो उन्होंने पहले कही थी। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी कहा है कि ये रात में आप लोग बुलडोजर क्यों भेज देते हैं अचानक से गिराने के लिए इमारतों को? नहीं, रातों रात इन लोगों ने लाखों हेक्टेयर जमीन सरकारी जमीनों पर कब्जा करा दिया, तो जवाब तो इनको देना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश, पूरे प्रदेश में जमीनों को हथिया लिया गया, उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, कहीं बड़े बड़े विद्यालय बना दिए गए, तो जवाब तो इनको पता है उसका। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात नितिन जी ये है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने नारा दिया था कि प्रत्येक वोट आपका मुझे सीधा मिलेगा, अर्थात जनता ने उनमें विश्वास दिखाया, और वो विश्वास दर चुनाव वो बढ़ता ही गया, घटा नहीं। तो सर, इसीलिए दिल्ली वाले आते हैं क्या जवाब देने के लिए? नहीं, मैं बताता हूँ, जैसे दिनेश शर्मा जी ने बताया अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कि जनता का विश्वास नेता में निहित है, और वो नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी हो या केंद्र में मोदी जी हो, और आज भी जनता पूरी तरह से इंटैक्ट है मोदी जी और योगी जी में, क्योंकि इसी लोकतंत्र की विडंबना थी कि आम जनता विधायकों से और सांसदों से नफरत करने लगी थी, ऐसा पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल दिया गया था, पूरा इसको इकोसिस्टम को ऐसा क्रिमिनलाइज कर दिया गया था पिछली सरकारों के द्वारा,
कि आम जनता का भरोसा और विश्वास ही उठ गया था, इसलिए ये व्यवस्था ज्यादा अकाउंट। तो ये कैसे कहते हैं कि 351 सीट जीत जाएंगे इस बार, अखिलेश यादव कहते हैं इस बार? हाँ बिल्कुल, नहीं अखिलेश यादव का अंक गणित कहाँ चला जाता है, उनके लिए तो 500 सीट वो 400 तीन सीट में 500 सीट जीत जाएंगे। हाँ। उनका उनका अंक गणित तो पार कर जाता है, वो तो 400 सीट से ऊपर जीतने की भी बात करते हैं। हाँ, एक दिन कहा था उन्होंने कि 400 जीत जाएंगे, तीन किसके लिए छोड़ेंगे ये नहीं बता रहे थे। ऐसा है कि ये तो देखिए वंशवादी पार्टी है, तो तीन अपने परिवार के लिए बचा रखे होंगे पारदर्शिता हो वो भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित कर रही है, और लगातार चुनाव दर चुनाव ये चीजें और परिष्कृत और साफ होती चली जा रही है जनता के बीच। ठीक है सर, मैं आता हूं। जी गौरव जी, गौरव जी आज एक निजी कार्यक्रम में माननीय अखिलेश यादव जी ने आपकी बात का मैं ऐसे भी जवाब दे दे रहा हूं कि 403 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ देंगे, मजबूत विपक्ष के लिए, उसमें आप तय कर लीजिएगा कि आप तीन सीटों में क्या जीतेंगे। आपने अभी वंशवाद की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र अगर मैं बताना शुरू करूंगा आप भारतीय जनता पार्टी का वंशवाद, तो कोई राज्यपाल है, कोई केंद्र में मंत्री है, कोई किसी विधानसभा में मंत्री है, इसलिए आप वंशवाद की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। और जमीन कब्जा करने की आप बात, एक वादा करें आज इस टीवी डिबेट में, एक वादा करें फखरुल हसन साहब, एक वादा करिए कि जो इंजीनियर डॉक्टर को आप टिकट देने जा रहे हैं उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए अपने किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप करिए, आप भारतीय जनता जी के परिवार से नहीं आएगा, आप भारतीय जनता परिवार से नहीं आएगा, आप भारतीय जनता, आप भारतीय जनता पार्टी से, आप बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए, आपने कह ली, आप वादा कीजिए कि भारतीय जनता उत्तर प्रदेश में योगी जी के अलावा भी मुख्यमंत्री कोई बन सकता है, आप कह सकते हैं बैठ के? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। आप बताइए ना, तो योग आप अगर आपकी बात अगर अगर आपकी बात अगर आपकी बात योगी जी सुन लेंगे, सुन तो लीजिए गौरव जी, इस देश में दिल्ली में बैठी सरकार तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल नहीं पाई, सारी कोशिश करने के बाद हार के बैठ गए। आप बता रहे हो अगर आपकी ये बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुन लिया तो हो सकता है वो आपको प्रवक्ता से भी हटा दे माननीय। और मुझे लगता है हसन साहब आपको गलत सपने आए हैं कि केंद्र की सरकार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अरे सर आपकी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आपकी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से माननीय प्रधानमंत्री का फोटो हट गया। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री का फोटो हटा दिया जब आपका झगड़ा हुआ, हमने तो नहीं हटाया, ये तो वेबसाइट भारतीय जनता पार्टी की थी, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आप दिल्ली में बैठी सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदल पाई, और हम तो ये जानते हैं कि आपकी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो आपकी सर्फ उठवल है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, वो आगे ही बढ़ने जा रही, वो खत्म होने नहीं जा रही। भाई बीजेपी का तो ये कहना है कि उनके चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बदलेंगे क्यों? ठीक है सर, क्या थी कि क्या सर विकास सर विकास को जोड़ लो पहले, बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। विकास, आप लोग इस बात को कहते हैं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक हैं, अब दागी नेता हैं, लेकिन विनय शर्मा जी अभी कह रहे थे कि जितने दागी नेता की भरमार कांग्रेस में रही है वो कहीं और नहीं रही है। विनय शर्मा जी का थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार है सर, सीनियर जर्नलिस्ट है लखनऊ में। वरिष्ठ पत्रकार है तो मेरा प्रणाम सर आपको। लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते आए हैं ये, और इसी बल पे ही इस बात को उन्होंने कहा। थोड़ा सा ध्यान मेरा अभी दिनेश जी बहुत थोड़ा इस बार का है, ध्यान आकर्षित करा दीजिए, कही हुई बातें काफी मायने रखती हैं। भारत के गौरव जी मजा ले रहे हैं दिनेश जी की बात पर। बताइए डिबेट का मतलब खत्म हो जाता है एक दूसरे के समय पर भी। चलिए बोलिए सर, बोलिए क्या पत्रकार महोदय या आप स्वयं पत्रकार हैं, क्या उत्तर प्रदेश के कभी ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्वयं अपने मुकदमे वापस किए हो, हत्या और अपहरण जैसे जघन्य अपराध? मुलायम सिंह यादव जी के विरुद्ध जो मुकदमे थे वो वापस हुए,
और भी कई लीडर्स के वापस हुए, उन्होंने उनके यहाँ के लोगों के मुकदमों की भरमार थी, वो तो वहां तो इतने वापस हुए जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। जरा वरिष्ठ पत्रकार महोदय से कहिए थोड़ा ध्यान भी रख लें, बोलने दें एक दूसरे को, मैं आपको एक एक व्यक्ति बोलेगा तो बात आ जाएगी। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, इंटरप्ट मत करिए, आपने अपनी बात कही, मैंने नहीं इंटरप्ट किया ना। रूस के अंदर सर जवाब ले लीजिए, दिनेश सर जवाब ले लीजिए, पहले वो बोल लें फिर बताएं क्या आप जवाब है आपका। जी विकास बताएं। दिनेश जी हम भी आप ही के विद्वान में विद्वता में बढ़ा कुछ चीजें और याद दिला रहे हैं, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। केशव मौर्य जी के ऊपर कौन कौन से जघन्य अपराध के मुकदमे लगे हुए थे, चीफ मिनिस्टर बना दिया आपने, और आप उदाहरण दे किसका रहे थे अभी, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का। अब कांग्रेस के बारे में आप एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बता दिए जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो, आपको जानकारी होना चाहिए। जो अभी हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें अगर आपके पटीदार से भी मुकदमा है तो उसकी भी सूचना देनी पड़ेगी। और मेरा 25 साल कांग्रेस पार्टी में बीता है, हमने तो नहीं देखा कि कभी अपराधियों को बुलाकर टिकट दिया गया हो कांग्रेस पार्टी में। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपने बताया कांग्रेस नहीं है परिपाटी डाली। कांग्रेस में जितने लोग चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हिंदुस्तान का करैक्टर रहे हैं, भारतीय राजनीति का सिरमौर रहे हैं, वो केवल कांग्रेस में ही नहीं पूजे जाते हैं, आज भी उनका नाम लेकर उदाहरण राजनीति में जब शुचिता ईमानदारी और मजबूत नाम की बात आती है तो सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू। अच्छा सपा वाले भी, और दोनों सरकारें और उसमें बसपा को भी शामिल कर लीजिए। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ही जनता ने उत्तर प्रदेश की महान जनमानस ने इनको नकारा है। अच्छा और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत सुस्ता ईमानदारी की बात करती है, सबसे पहले स्पेशल टास्क फोर्स और श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से जो थरथरा रहा था उत्तर प्रदेश, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विकास भाई ये सपा वालों से रहने का प्रेम क्यों जागता है? एक देखिए सपा को प्रेम नहीं जागता है, हमने कहा ना एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। नहीं प्रेम आप लोग का जगता है, भारत की राजनीति में तो शुक्र मनाइए कि भारत की राजनीति में नहीं पहुंच पाए सपा वाले। अच्छा सपा और भाजपा जब मिलकर मैच खेलते हैं तो उत्तर प्रदेश 32 साल में बेहाल हो जाता है। अच्छा जो 89 से पहले जितने बिजली घर बने थे वो सारे तोड़े जा चुके हैं, अब 1 मेगावाट बिजली उत्पादन नहीं हो पाया 32 सालों में। तो ये लोग एक है मतलब है बीजेपी और सपा वाले, जिस तरीके की भाषा है जिस तरीके का चरित्र है राजनीति में और जिस मुद्दे पर ये बात करते हैं नफरत और विघटन बंटवारे की बात, ये फखरुल हसन हंस रहे हैं आपकी बात है। भारत की जनता, भारत की जनता को झूठ बोलना जुमलेबाजी करके 15 लाख देने की बात करके आप सरकार में आते हैं, 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा चिकित्सा के नाम पे बड़े बड़े दावे और पोस्टर लगाते हैं, और जब कोरोना मिसमैनेजमेंट 15 दिन हुआ 15 दिन में आपने गंगा में लाशें बहती देखी और तटों पर लाशों से पट गया जिस तरीके, और आपकी भी जब आप 4.5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल देखते हैं और मोदी सरकार का 4.5 साल का देखते हैं तो विसर्जित करना ये सनातन परंपराएं हैं, और भारतीय साधु समाज या तो समाधि लेता है या फिर बारी सीनियर पत्रकार हो तो इसका मतलब बोलोगे आप बीजेपी का प्रवक्ता रहमत बनिए, आप सीनियर पत्रकार है तो गरिमा में रह के बात करिए ना। आप 32 साल आप अपनी बात बाद में करिए जब आपसे पूछा जाए, मेरी बात सुनिए, आप बारी का इंतजार नहीं कर सकते हैं क्या? 32 साल आपका राजनीति का अनुभव है आप पार्टी के प्रवक्ता को शायद आपको पता होगा सम्मान करना सीखिए पहले तो आप दिनेश सर 30 सेकंड का विकास आपके पास समय है, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिए फिर हम दिनेश सर से जवाब लेंगे। जी देखिए
किसी को कोई भी सरकार अच्छी लग सकती है, पत्रकार हो जाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती कि हम पत्रकार को जो चाहेंगे वो सही होगा, वो अकाट सत्य होगा जी। दूसरी बात, हम एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है जी। और आप भी गेस्ट हैं, हम भी गेस्ट हैं, इसलिए एक दूसरे की मर्यादा को भी रखना जरूरी है जी। बोलिए सर, विषय यहाँ पर इस बात का नहीं है कि क्या सच्चाई है, और सच्चाई ये देश की जनता जानती है। मैंने कहा ना, जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की तय होनी चाहिए। बेरोजगारों के साथ जो वादे किए थे, महिलाओं के साथ जो सुरक्षा को वादे किए थे, महिला हिंसा में उत्तर प्रदेश नंबर एक कैसे बना, इसका जवाब भाजपा की सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी और बसपा हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पे ही क्यों उत्तर प्रदेश की जनता नकार दी है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। जवाब ले लूं विकास भाई, मैं जवाब ले लूं नितिन जी, सारे सवाल समाजवादी पार्टी को दें। विकास भाई मैं जवाब ले लूं, आ रहा हूं आपके पास। हां जवाब सर, सर मैं आता हूं आपके, मैं जवाब मैं दूंगा। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, उन्होंने तो पोल खोल दी कि आप लोग एक साथ हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि दो सरकारें आपकी हम ही चला रहे थे, हम ही बचा के लेके यहाँ तक आए थे, जो दो सरकारें आपने केंद्र में चलाई। आपने कहा कि नेताजी पे मुकदमे थे, अभी आप अभी अरे आपकी एटमिक डील पे सरकार भी हमी ने बचाई थी, एटमिक डील पे सरकार भी हमी ने बचाई थी, आप भूल जाते हो। आपको याद दिलाता हूँ इसलिए, और सुनिए, मैं अभी आप बोल रहे थे कि अपनी अपनी बारी में बात कीजिए, अब आप बीच में बोलने लगे। आप भी तो संयम रखिए। हाँ, आपने मुकदमों की बात की, तो आप पंजाब कैसे दिल्ली में सिख दंगे हुए थे ये भी देश ने देखा था, आज भी देख रहे हैं। और आपने कहा कि दूसरे दलों पे लोग जो मुख्यमंत्री बने हैं वो दागी थे, कांग्रेस में कोई दागी नहीं था। तो मित्र, जानता हूं मैं कि कांग्रेस ने बहुत साल सत्ता इस देश में चलाई है, और कांग्रेस ने दूसरे दलों के नेताओं पे कैसे कैसे मुकदमे लगाए हैं, सीबीआई से लेके सारे हथियार जो आज भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, उनसे चार कदम आगे बढ़ के ये रास्ता अगर कोई दिखाने वाला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने दूसरे दलों के लीडरों पे और नेताओं पे मुकदमे लगाए थे, इसलिए आप आज हमें दागी कह दे रहे हो कि उनपे मुकदमे थे, और आप पे मुकदमे नहीं थे, क्योंकि आपने 50 साल और 60 साल इस देश पे राज किया है, आप बैठे हुए थे, आपने मुकदमे लगाए, आपने लोगों को क्रिमिनल और अपराधी बनाने का काम किया है, चाहे आपने सीबीआई इस्तेमाल की हो या आपने कानून का दूसरे तरीके से दुरुपयोग किया। इसी का एक उदाहरण है, दिनेश सर बोलिए जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भाई विकास जी, विकास भाई आ रहा हूँ। दिनेश सर का जवाब ले लें। विकास भाई दिनेश सर का जवाब ले लूं फिर आप हमारे सरकार बनाते हो। विकास भाई दिनेश सर का जवाब ले लें। करोगे तो क्या कानून आपको छोड़ देगा? ठीक है, आते हैं आपके पास, आते हैं। आपने खुद अपना चरित्र गंदा किया है। विकास भाई अपनी बारी में बोलिए भाई, अपनी बारी में बोलिए। दंगे आपने स्वयं करवाए। राजीव गांधी, विकास भाई आता हूँ मैं आपके पास, आता हूँ। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे विकास भाई, और गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति थे उस समय, और एक मास्को के अंदर युवा महोत्सव हुआ था जिसमें कि यूथ कांग्रेस के लीडर्स गए थे। यूथ कांग्रेस के लीडर्स के नाम पर वो छठे छटाए गुंडे और बदमाश गए थे कि वहां पर पांच उन बदमाशों को उन्होंने वहां पर जो छेड़छाड़ खाने की जो भी बदतमीजी होती थी वो की। अरे सर, आप जानते हो पासपोर्ट नहीं बनता है। जवाब ले लीजिए फिर बोलिए। विकास भाई मैं आऊंगा आपके पास। अगर आपके पास 32 साल का राजनीतिक अनुभव है तो ये जानकारी आपको होगी। मैं तीन उदाहरण दूंगा ना। वो ये उदाहरण वो है, उनको रोक लिया गया और वहाँ पर उनको बड़ी मुश्किल से छुड़ा कर लाया गया। जिनमें इंडियन एक्सप्रेस ने बॉटम एक खबर छापी, नसीब का नसीब, एक नसीब पठान थे और एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं जी, जानते हैं, एक महान नेता थे कांग्रेस पार्टी। सुनिए विकास जी, अब जो आपको दूसरी बात, कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी देश को उस युवा महोत्सव में, शक हो रहा है। और दूसरा सुनिएगा, शायद वो शहरयार थे, उन नेताओं के बारे में शायद उनका नाम शहरयार था। नितिन जी, शायद उनका नाम शहरयार था, हो सकता है नाम गलत भी हो, लेकिन नाम इसी तरह का था। वो एक बहुत बड़ा तस्कर था। विकास भाई आ रहा हूँ। वो एक बहुत बड़ा तस्कर था, जरूर शामिल है, और अमेरिका की राष्ट्रपति से राजीव गांधी ने बात करके उस तस्कर को छुड़ाया था। उस तस्कर को छुड़ाकर अपने साथ भारत लाया था। क्योंकि मैं राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से। अगर आप रहे हैं तो फिर आपको जानकारी होनी चाहिए। चोट पर मत बोलिए विकास भाई, ठीक है, मैं आता हूँ। दोनों सूचनाएं दंगे की चोट पर है, तस्कर को छुड़ाकर राजीव गांधी लाए थे। राष्ट्रपति और
मास्क के अंदर जो हुआ बिल्कुल सतही जानकारियां हैं। आपने जिस नेता के बारे में बोला वो इस दुनिया में अब नहीं है, वो आदरणीय हमारे लेकिन मैं आपको और अगर आप समय होगा तो मैं कभी और बैठेंगे हम लोग। ठीक है सर, आते हैं सर आप लोगों को। अगर आपने कहा है सामाजिक विषयों पर बात करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए डिबेट नहीं होती है और ये डिबेट की मर्यादा भी नहीं होती। चलिए चलिए मैं विषय पे आता हूँ। जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति में सबको पता है कि सपा में कैसे लोग होते हैं, भाजपा में मुख्यमंत्री किस तरीके के लोग हैं। ज्यादा नाराज है बीजेपी, स्वयं अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं और आपने खुद ही कहा माननीय मुलायम सिंह जी अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। हम बीजेपी से जवाब ले। विकास भाई जवाब तो ले बीजेपी से। आप सोनिया जी का और राहुल गांधी जी पे जो मुकदमा हुआ है जिसपे उन्होंने बेल कराई, वो मुकदमा आप भी वापस ले लीजिएगा, जाइए। मैं आता हूँ विकास भाई, मैं आता हूँ। नेशनल हेरिटेज को आप क्यों बोल रहे हैं? अरे नेशनल हेरिटेज को आप क्यों बोल रहे हैं? विकास जी मुकदमे, मैं कानून की पढ़ाई पढ़े हुए हूँ। मुकदमा होना कोई अपराधी नहीं हो जाता, मुकदमा होने से अपराधी नहीं हो जाता। आप पहले अपनी परिभाषा सही कर लीजिए अपराधी अपराध और अपराधी की। मैं आता हूँ विकास भाई। गौरव जी मैं आपको जोड़ूंगा। गौरव जी आपने बताया नहीं कि आप और सपा वाले एक साथ हैं, श्रेणी में लाना भी कांग्रेस कह रही है और इस पर भी मुकदमा हो सकता है कांग्रेस पार्टी सत्ता में। विकास भाई मैं आ रहा हूँ भाई, विकास भाई आपके टर्न पे आऊंगा। विकास भाई मैं गौरव जी से जवाब ले लूं। देखिए अरे सर मैं आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, डिबेट में नहीं शामिल हो पाऊंगा। अरे सर मैं आ रहा हूँ साहब, आप नेताजी पे आप नेताजी का नाम। अरे मैं आ रहा हूँ आपके पास, जवाब तो ले लूँ भाई। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, तो आप हमारी यादा क्रॉस कर रहे हैं। अरे सर वो आप मुकदमा कराइए, जो कराइए बाद में कराइएगा, लेकिन पहले डिबेट तो पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं आता हूँ आपके पास। गौरव भाई आता हूँ, विकास भाई मैं आता हूँ आपके पास। सम्मान नहीं कर सकते हैं। मैं आता हूँ विकास भाई, मैं आता हूँ। आपको सम्मान कर, देखिए अपना पत्रकार होते के नाते आपने मेरे ऊपर जो भी कुछ बोला मैं तो नाराज नहीं हूँ आपसे। अरे आप झूठे सर, मैं आता हूँ, मैं आप लोग के पास आता हूँ। मैं गौरव जी से जवाब लूँ, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, प्लीज समय। दिनेश सर प्लीज, मैं आता हूँ आप लोग के पास, समय बहुत कम है, गौरव जी से जवाब ले लें। विकास भाई जवाब ले लें दीजिए गौरव जी से। गौरव जी आपने बताया नहीं कि सपा और बीजेपी वाले एक साथ हैं, आप लोग अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग बयान देते, कांग्रेस कह रही है, लेकिन आप लोग हैं एक साथ। विकास भाई जवाब तो लेने दीजिए। अरे सर जवाब तो लेने दीजिए भाई। हाथ पसंद है ये नारा किसने दिया था, और समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये जहां भी लड़ेंगे इनके सामने भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी। और कांग्रेस पार्टी की क्या कहें, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से विखंड खंड खंड टूट रही है। चाहे वो पंजाब की स्थिति देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में वही मारामारी की स्थिति है, राजस्थान में भी वही स्थिति है, तो इनका खुनवा तो खुद ही संभलने लायक स्थिति में नहीं है। और अभी अपराध पर बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी तो राजनीति में अपराध की जननी है और उसको कई गुना बढ़ाया समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी। और अभी नेता की बात कर रहे हैं जो 3000 से ज्यादा मौतों का हत्यारा था, उसको चार्टर प्लेन में बैठा करके अपने यहाँ नाश्ता करा करके राजीव गांधी जी वापस भेजते हैं उसको अपने देश सेंटरसन को, और वो भोपाल गैस कांड का अपराधी वो भारत से सुरक्षित वापस चला जाता है। तो ऐसे ऐसे जगन अपराध जो है वो कांग्रेस के खाते में है, तो कम से कम इस प्रकार के और एंडरसन को भगाया था, एंडरसन को भगाया था, कांग्रेस का ही था, एंडरसन को किसने भगाया था? तो वो मैं वही कह रहा हूँ अपने कांग्रेस के साथी से, तो कम से कम अपने सफाई में अगर कुछ बोले तो सोच समझ के बोले। जिस दल से आते हैं उस दल का इतिहास बहुत काला है और बहुत सारे दाग है, वो खत्म नहीं होंगे, छूटेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं दागों को समाप्त कर रही है, खत्म कर रही है। तो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है? बिहार प्रेस बिल जगन्नाथ मिश्रा लाए, वो किसी तरह से रद्द हुआ। चिट्ठी पत्री अधिनियम राजीव गांधी लाए, देने की बात आपका तो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है? प्रदेश को महिला हिस्सा में नंबर एक कर दिया, पश्चिम बंगाल का एलिवेटेड ब्रिज आप ये वंशवादी पार्टी है, एक परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है, ये कभी देश का भला नहीं कर सकती, और ये अपने हित के लिए देश के शत्रुओं से समझौता करती है, देश के दुश्मनों से समझौता करती है। चलिए 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 आप सदन के अंदर आतंकियों को छुड़ाने के लिए बिल लाती है,
लगातार चेहरे बदल के चुनाव जीतना चाहती है। यह आतंकी आतंकी मारे जाते हैं तो उस पर आंसू आती है। नाकामी ये वो दल है जिसको जनता ने समझ लिया है, भली भांति परख लिया है, इसलिए इनको हाशिए पे बिठाया है। कांग्रेस के समय में ही भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के समय में ही चीन ने कब्जाया है। एक अपराध हो तो बात कही जाए, अपराधों से भरी पड़ी है कांग्रेस। नहीं है माननीय पत्रकार महोदय, कहना पड़ रहा जाते जाते। आज जरा पत्रकारिता का कुछ अध्ययन किया करिए, कुछ किताबें पढ़िए। गूगल भी पढ़ेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि आपके पास तथ्यहीन पत्रकार है। आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलने का पैसा दिया जाता होगा, इसीलिए आप यहाँ बैठ के ज्यादा मेहनत कर रहे हैं झूठ बोलने की। जनता जानती है और आपके ज्ञान के ऊपर हमें हंसी भी आती है। और कभी कार्यालय हमारे आएंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका तथ्य भी देंगे कुछ सीख। चलिए चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख विषय पर जुड़ने के लिए। तो साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तैयारियां अलग अलग पार्टियों की। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उठापटक है पार्टियों के अंदर वो चल रही है। कुछ पार्टियां नए नए लोगों को पार्टी में जोड़ने में लगी हुई है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने पार्टी में सही से काम न करने वाले मौजूदा विधायकों के मौजूदा नेताओं के टिकट काटने में लगी हुई है। लेकिन इन सबके बीच में जो जनता के मुद्दे हैं, वो मुद्दे अब जनता के बीच जाकर के कौन करेगा, कौन उन पर बात करेगा, कौन उनका हल निकालेगा, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। देखना ये होगा कि ये जो रणनीतियां तय करी गई हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, ये कितनी कारगर सिद्ध होती हैं। ये प्रत्याशियों को हटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये बीजेपी के लिए कितना कारगर होगा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो पासे खेले हैं, वो उस पर अपना जो इस बार का खेल है वो जीत पाएगी या नहीं, ये देखना अहम होगा। आज की डिबेट में इतना ही। हम अलग अलग मुद्दों पर इसी तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।